25वां प्रकरण है ध्याता ध्यान ध्येय का भेद कहा। आत्मा की निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति जिस पर्याय में प्रकट होती है उस पर्याय में आत्मा का द्रव्य का स्वरूप, गुणों का स्वरूप और पर्याय का स्वरूप किस प्रकार से होता है उस संबंधी कुछ रहस्यपूर्ण बातें इस प्रकरण में है। ध्यान करने वाला और ध्यान में आने वाला ये दो जो भेद है उन भेदों का मिट जाना ही निर्विकल्प आत्मानुभूति है। सबसे पहले ये बताया कि बादाम का जो हलवा है उस बादाम के हलवे में सिर्फ बादाम नहीं है, काजू भी है, पिस्ता भी है, घी है, दूध है वगैरह वगैरह बहुत सी वस्तु उस हलवे में है, फिर भी हम बादाम का हलवा कहते हैं। ऐसे ही हम हिंगाष्टक कहते हैं तो हिंगाष्टक में सिर्फ हिंग नहीं है, उसमें तो और भी सब वस्तुएं हैं, परंतु हिंग की मुख्यता से उसे हिंगाष्टक कहते हैं। ऐसे ही बादाम की मुख्यता से उस हलवे को बादाम का हलवा कहते हैं। ऐसे ही जो यह आत्मा है यहां शरीर के प्रत्येक परमाणु पर यहां जो अनंत गुण है उसमें ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है और रहस्यपूर्ण बात यह है कि उन गुणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आम बाजार से खरीद कर लेकर आए वह आम कड़क है, वह आम मीठा है, वह आम सुगंधित है, वह आम पीला है, तो कड़क है, मीठा है, सुगंधित है और पीला है। उद्गल के अंदर ये जो चार गुण मुख्य है स्पर्श रस गंध और वर्ण, तो आम का स्पर्श गुण जो है उसकी जो पर्याय है वो है अभी कड़क, अभी जो रस गुण की पर्याय मीठी, गंध गुण की पर्याय है तो वो सुगंधित और वर्ण गुण की पर्याय है कि आम पीला है। अब कोई व्यक्ति जो कड़क बना है उस कड़क को अपने घर लेके जाए, कोई व्यक्ति मिठास को अपने घर लेकर जाए, कोई व्यक्ति सुगंध को अपने घर लेकर जाए या पीलेपन को अपने घर लेकर जाए तो लेके नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये चारों ही ये जो गुण है वो अभेद है, एक साथ में है, तो गुणों को अलग अलग किया नहीं जा सकता, परंतु गुणों को अलग अलग जाना जा सकता है। वो करना और जानने का भेद थोड़ा समझ लो तो ये विषय समझ में आएगा। ज्ञान की पर्याय में ये जो आम का कड़क स्वरूप है तो जिस समय जीभ हमारी यहां ऐसे मुंह में बंद, मुंह बंद है, नाक बंद है, आंख बंद है, कान बंद है और उस आम को छूते हैं तो वो कड़क लगता है, तो उस समय हम तीन को नहीं जाने और एक को ही जाने, ऐसा हो सकता है कि कड़क को जाने। जिस समय आंख बंद हो और जीभ पर वहां रखा तो वो मीठा लगे, पीला का पता नहीं, सुगंधित का पता नहीं,
कड़क का पता नहीं, मीठे का ही पता चला, ऐसे ही नाक से उस सुगंध का ही पता चला और बाकी किसी का नहीं। तो एक गुण को हम एक गुण को भेद करके जान सकते हैं, परंतु भेद करके द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही ये जो आत्मा ज्ञानियों के ध्यान का ध्येय है, साधना का साध्य है, आराधना का आराध्य है, दृष्टि का विषय है, ज्ञान का ज्ञेय है, ऐसा जो भगवान आत्मा, उस आत्मा के अनंत गुणों के पिंड को अलग अलग गुणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, समझने के लिए और समझाने के लिए ये भेद होते हैं, अनुभव में भेद नहीं होते। इसलिए जब ज्ञानी अज्ञानी को आत्मा के संबंध में समझाते हैं, तब वे कहते हैं कि आत्मा वह है जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें दर्शन होता है, चारित्र होता है, सुख होता है, श्रद्धा होती है, इन गुणों के भेद से समझाते हैं। जैसे गुणों के भेद के विकल्प से वस्तु जो है, जो हलवा है, तो हलवे को जीभ पर जैसे रखा और जिसने चखा कि यह हलवा है, उसे हलवे का आनंद आता है, और जो विकल्प में पड़ गया कि ये जो बादाम का हलवा है उसमें ये बादाम, एक बादाम ली, फिर उसने एक काजू लिया, फिर उसने पिस्ता लिया, तो एक 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 चीज लेकर के वो चखता है तो हलवे का आनंद नहीं आता है, वो भेद का अनुभव करता है, तो अभेद का जो आनंद है वो नहीं आता। इसलिए जब भी हम चखते हैं, भले ही उसमें बादाम है, भले ही उसमें काजू है, पिस्ता है, परंतु चखने में आता है तब हमारे लिए बादाम काजू ये नहीं, हमारे लिए हलवा। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति में अनंत गुणों का पिंड, ऐसा जो द्रव्य है भगवान आत्मा, वह भगवान आत्मा आत्मा की पर्याय में जब जानने में आता है, तब अभेद जानने में आता है, एक जानने में आता है। और रहस्य यह है कि भले जब हम हलवे को खाते हैं तो हलवा है इतना ही हमारे ख्याल में है, बादाम काजू के भेद को नहीं देखते, परंतु जब हलवा बना उससे पहले जो पैकेट लेके आए थे, तो काजू का पैकेट अलग था, बादाम का अलग था, तो हलवे को खाने से पहले, बनाने से पहले जो विधि है, वो विधि तो ये है कि एक एक अलग अलग वस्तु को हम लाए और तैयार करें और फिर खाए। ऐसे ही आत्मा अनुभव में जब आता है तब तो एक अनुभव में आता है, परंतु उससे पहले गुरु के मुख से, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि के माध्यम से या फिर शास्त्रों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप जब समझ में आता है, वो एक एक करके आएगा। वो जैसे बादाम का पैकेट था, काजू का पैकेट था जब लाए तब, ऐसे ही ज्ञानी कहेंगे आत्मा में ज्ञान होता है, ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, आत्मा में दर्शन होता है, दर्शन का स्वरूप ऐसा है। उस प्रकार से गुणों के भेद के माध्यम से आत्मा को समझाया जाता है, समझा जाता है, अनुभव में ये भेद छूट जाते हैं। है सब एक में ही अनंत की एकता छुपी हुई है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, वड़ा प्रधान, अब मीडिया वालों को बुलाए और एक डिक्लेयर करे ऐसा, उसमें ऐसा लिखा कि कल अमेरिका ने कहा था कि हम परमाणु बम बनाने वाले हैं, तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो भी स्टेज पर जाके बोला, क्या बोला
कि यदि अमेरिका परमाणु बम बनाएगा तो हम भी परमाणु बम बनाएंगे, ऐसा वो वहां बोला। दूसरे दिन अखबार में आया, भारत ने कहा है हम भी परमाणु बम बनाएंगे। तो भारत की जो 130 करोड़ जनता है, वो 130 करोड़ जनता वहां स्टेज पर बोलने नहीं गई थी कि मैं हम भी परमाणु बम बनाएंगे। बोलने वाला था एक, फिर भी कहने में आता है भारत ने कहा, क्योंकि एक व्यक्ति में पूरा भारत वहां अभेद मिला हुआ। ऐसे ही जब कहा जाता है कि भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है, चैतन्य मात्र है, तो चैतन्य का अर्थ एक चैतन्य नहीं, अनंत गुणों की एकता उसके अंदर गर्भित है। ऐसा आप जो क्रिकेट की मैच देखते हो तो उसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं। अब किसी ने पूछा कि भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच थी, बोले अब पहले कौन खेलता है, तो कहा भारत खेलता है। अब भारत की 130 करोड़ जनता तो वहां ग्राउंड में खेलने नहीं गई, मैदान में खेलने नहीं गई, खेलने को गए थे 11 और कहा कि भारत खेलता है, और 11 भी नहीं खेलते, 2 ही खेलने गए, 9 तो बैठे हैं अंदर पेवेलियन के अंदर, 2 ही खेलते हैं और कहते हैं कि भारत खेल रहा है, और 2 भी नहीं खेलते, 1 तो दूसरी तरफ खड़ा रहता है, खेलता तो 1 है, और कहने में आता है कि ये भारत खेल रहा है। तो एक खिलाड़ी में जैसे पूरे भारत की अभेदता गर्भित है, ऐसे ही जब कहा कि चैतन्य मात्र, उसमें अनंत गुणों का पिंड ऐसा भगवान आत्मा अंदर गर्भित है, और ऐसा जो अभेदपना अनुभव में आता है उस अनुभूति का नाम है आत्मानुभूति। और वो भेद रूप अनुभव में नहीं आया, भेद का विकल्प, एक समय का विकल्प है, वह भी अनुभूति में बाधक बनता है। विकल्प जो खड़ा हुआ, वो विकल्प जो खड़ा हुआ कि ये ज्ञान वाला, ये दर्शन वाला, ऐसा जो विकल्प खड़ा हुआ वो भी अनुभूति में बाधक है। विकल्प क्या है उसका सूक्ष्म स्वरूप आपको समझना हो तो, कि दो सगे भाई है, अब दो सगे भाई में एक बड़ा छोटा, तो बड़ा भाई है उसका भी एक बेटा है, और छोटा भाई है उसका भी एक बेटा है, दोनों के एक एक बेटे हैं। अब जो छोटा भाई है, छोटा भाई, वो अपने बेटे के लिए और अपने भाई के बेटे के लिए दो आम खरीद कर लाया बाजार से। अब आम खरीद कर लेके आया और ऐसे ही दे दिया कि अपने यहां जो बेटा था उसे बड़ा आम दिया, और अपने भाई का बेटा था उसे छोटा आम दिया, और ऐसे ही वो दोनों बेटे खाए, उससे पहले दूर से बड़ा भाई आता हुआ दिखा। तो जैसे ही दूर से बड़ा भाई आया दिखा, कि तुरंत ही इसने क्या किया कि जो बड़ा आम था जो अपने बेटे के पास था, वो लेकर के अपने भाई के बेटे को दे दिया, और भाई के बेटे के पास जो छोटा आम था वो अपने बेटे को दे दिया। भाई आया और भाई ने देखा तो भाई ने छोटे भाई को कहा कि बोलो जुदा कब होना है, अब हम साथ में नहीं रह सकते। तो छोटे भाई ने कहा इतने नाराज क्यों होते हो, मैंने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी, और तुम देखो तुम्हारे बेटे को बड़ा आम दिया है और मेरे बेटे को छोटा आम दिया है, फिर भी तुम बोलते हो कि जुदा कब होना है।
तो बड़ा भाई बोला, इसलिए ही तो जुदा होना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विचारों में, दिमाग में इतना तो आया ना कि ये मेरे भाई का बेटा और ये मेरा बेटा, इसलिए तो आम बदल दिया। यदि दोनों ही बेटे यदि तुमने अपने माने होते तो ऐसा बदलने नहीं जाते। ये विकल्प जो खड़ा हुआ दिमाग में, विकल्प कि लाओ ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा बेटा है, वो विकल्प ही तो खतरनाक है। और उस विकल्प की वजह से मुझे तुमसे जुदा होना। कहने का अर्थ यह है कि एक समय के लिए भी आत्मा में जो विकल्प उत्पन्न होता है, वह विकल्प ही निर्विकल्प अनुभूति का बाधक है। और गहराई से देखे इस प्रकरण में ध्यान के संबंध में स्पष्टीकरण किया है, और यह समझने जैसा है। ध्यान के संबंध में जितनी भी धारणाएं फैली हुई है, वो धारणा इतनी भ्रांति रूप है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अज्ञानी जनों ने अपनी चित्त की चंचलता से और मन की मलिनता से ही ये सब ध्यान के पहलुओं को खड़ा कर दिया है। कि ध्यान करने बैठना है ना तो क्या करना पड़ेगा? एकाग्रता सीखनी पड़ेगी, एकाग्र होना पड़ेगा, वरना आत्मा का ध्यान होगा कैसे? कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए ना, एकाग्रता चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता कि इसके अतिरिक्त तो मुझे और कुछ नहीं देखना, ऐसा ध्यान। और एक वस्तु को आप सामने लेके बैठो और उसका ध्यान करो तो उसे एकाग्रता बढ़ती है और उससे फिर आत्मा का ध्यान हो जाता है। ऐसा यदि होता तो क्या होता मालूम है आपको? शेर को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, ये क्यों भ्रांतियां है और उसके अलग अलग पहलुओं को देखेंगे तो पता चलेगा कि शेर को जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उस शेर में कितने भगवान के दर्शन करने गया था, उस शेर ने एकाग्रता बढ़ाने के लिए कितने क्लासेस किए थे, कितनी कक्षा में गया था। नारकी को सातवें नरक में जब सम्यक दर्शन होता है, वो भगवान का कहां दर्शन करने जाता है कि उसे सम्यक दर्शन हो जाए? ये नारकी को भी सम्यक दर्शन होता है, वो किस बल पर होता है? देवों के सम्यक दर्शन होता है, वो भी कैसे होता है? चारों गतियों में सम्यक दर्शन की विधि एक है, अलग अलग नहीं। मगर हम क्या कहते हैं कि जब तक स्वयं ने उस चैतन्य तत्व को जाना न हो, उससे पहले यदि उसका निरूपण करें तो यह भ्रमणा हो सकती है। इसलिए एक जगह पर एकाग्र उपयोग का एकाग्र होना, उसके पीछे ये शरीर की जो शक्ति है, वो शरीर की शक्ति उसके पीछे कारणभूत नहीं है। उसके पीछे चैतन्य के अंदर जो आत्मा का भाव भाषित हुआ है, वो उसका मूल कारण है। और उसका सीधा सा कारण यह है कि ये जब कोई आपको कहता है कि आपको बिल्ली को याद नहीं करना है, जब ध्यान करने बैठो ना तब बिल्ली को याद मत करना, अब बिल्ली की फोटो लेके बैठे नहीं, बिल्ली की तस्वीर लेके बैठे नहीं, या तो बिल्ली को सामने लेके बैठे नहीं, मगर ध्यान करते वक्त बिल्ली को याद नहीं करना है, तो बिल्ली ही ध्यान में आती है। कौन सा अभ्यास करने गया कि बिल्ली को ध्यान में लाने के लिए? सिगमंड फ्रॉड ने जर्मनी में इसके संबंध में बहुत अध्ययन किया और आज वे भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं। पिछले 50 वर्षों में यूरोप के देशों में इसके संबंध में संशोधन जो हुए, वो एकाग्रता के संबंध में। और अभी जर्मनी से एक कागज मेरे पर आया है, उसका भी उन्होंने जवाब मांगा था। उसका अर्थ जो निकाला था वहां पर कि भगवान की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति में भगवान की जो आंखें हैं,
वे आंखें आधी खुली है, ऐसी पूरी खुली नहीं है मूर्ति में, और पूरी बंद भी नहीं है, आधी खुली है और आधी बंद है। तो उसका अर्थ उन्होंने क्या लिया कि धर्म उसका नाम है कि आधा तो आत्मा को देखो और आधा जगत को भी देखो, निश्चय भी करो और व्यवहार भी करो, उसका नाम है धर्म, दोनों को देखो। इसलिए आधी खुली रखी कि जिससे अपने को भी देख सके, और आधी खुली रखी तो दुनिया को भी देख सके। उसका अर्थ ये नहीं था, नासाग्र दृष्टि का अर्थ ये नहीं होता। ये जो है नाक की जो नोक है, ये उसकी उसको नाक का अग्रभाग कहते हैं। नासा का अर्थ है नाक और अग्र का अर्थ है नाक का ये अग्रभाग। जब नाक के अग्रभाग की ओर दृष्टि होना, उसका नाम नासाग्र दृष्टि है। और ऐसी दृष्टि करके लोग ध्यान कराते हैं और लोग करने को बैठते हैं, और आत्मा का ध्यान नहीं होता है तब वो नाक की नोक का ध्यान होता है, आत्मा एक तरफ रह जाता है। और उसका कारण यह है कि देह लक्षी ध्यान से आत्मा कभी नहीं मिलता, वो नाक की नोक से यदि आत्मा मिलता तो सिद्ध भगवान को तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती ध्यान करने में, क्योंकि नाक ही नहीं है। जब शरीर ही नहीं है, शरीर तो छूट गया, तो फिर तब से लेकर के ध्यान होता कैसे? तो शुरुआत में तो तकलीफ होगी ना, शुरुआत में वो नाक से जब नए नए लोग आते हैं तब। इसलिए कृपालु देव ने कहा कि शुरुआत की विधि यदि अलग होती और बाद की विधि अलग होती तो अंतर की साधना फिर नई शुरू करनी पड़ती। जैसे कि विधेय क्षेत्र है, विधेय क्षेत्र में आत्मा की साधना अलग प्रकार से होती है और फलक क्षेत्र में अलग प्रकार से होती है। तो यहां जितनी पूरी जिंदगी साधना की और यहां से मर के वहां गए तो वहां दोबारा फिर सब गिनती चालू करनी पड़ेगी कि आत्मा का स्वरूप कुछ अलग हो तो, धर्म का स्वरूप अलग हो तो। इसलिए कृपालु देव ने कहा एक हो ये तृण काल मा परमारथ नो पंथ। और एक बार और कही, आगर ज्ञानी थई गया वर्तमान मा होय थाशे काल भविष्य मा मार्ग भेद न कोई। मार्ग भेद उसका मतलब यह है कि ये चौथे गुण स्थान से लेकर के निर्विकल्प अनुभूति सिद्ध पर्यंत एक समान होती है। सीधी सी बात है, एक किलो मिठाई किसी ने चखी या एक छोटा सा टुकड़ा मिठाई का चखा, वो मिठास का जो स्वाद है वो तो वही आएगा ना। इसलिए सिद्धों के जैसी श्रद्धा होती है ऐसी ही सम्यक दृष्टि तिर्यंच को श्रद्धा होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में इस पर विवेचन किया कि जैसी श्रद्धा सिद्ध भगवान को है ऐसे ही चिड़िया जो है उसे भी आत्मा की श्रद्धा ऐसी ही है जैसी सिद्ध भगवान को। और उसका कारण क्या कि अनुभव में आने वाला जो आत्मा, वो दोनों का विषय जो था वो एक था, विषय दोनों के अलग नहीं थे। वो तो ऐसा होता है जब डॉक्टर ये कहते हैं ना कि आपका ये हाथ है, अब इस हाथ को ढीला छोड़ दो, इस हाथ को ढीला छोड़ो, तो आपने ऐसा अभी आ जाएगा, नहीं अभी बिल्कुल ढीला छोड़ो, आपने ऐसा छोड़ दिया, तो ये ऐसा छोड़ दिया अभी, तो ये क्या है, ये ऐसा हाथ था वो यहां पर आपने अक्कड़ होकर के पकड़ के रखा ऐसा, और ऐसा करना हो तो उसके लिए भी कुछ ऐसा जोड़ देना पड़ेगा, और जब यहां से जोर हट जाता है तब यह हाथ लटक जाता है। जब आत्मा की पर्याय आत्मा में लीन होती है तब आंख जो खुली थी वो जो ऐसी थी, जब यहां से ध्यान हमारा हट गया, डॉक्टर ने कहा ढीला छोड़ो, ध्यान यहां से हटा लो, तो ऐसा, तो जब शरीर से ध्यान ही हट जाता है तब आंख जो खुली थी वो लटक जाती है। वो लटकी हुई आंख जो है उसका नाम नासाग्र दृष्टि है, नाक की ओर देखते नहीं है, आत्मा में ऐसे लीन हो गए कि आंख लटक गई, ढल गई, वो आधी बंद और आधी खुली, ऐसी जानबूझ के नहीं रखते, वो आंख आधी खुली रखना है, आधी बंद, अभी 45% थोड़ी खुली है, थोड़ी और
बंद करो 50-50, वो तो सहज रूप से अंदर में लीन हो गए कि आंख का सहज ही ढलना हो गया। और उससे ये सिद्ध होता है, ये ध्यान के संबंध में पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक में भी बहुत विस्तार से उसका विवेचन किया कि हम जो ध्यान करने को बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं कि सब चलो मैं आपको ध्यान कराता हूं, ऐसे चलो सब बैठ जाओ बराबर अच्छी तरह से, हाथ सब हाथ के ऊपर हाथ रख लो और मैं आपको ध्यान कराता हूं। अब ऐसा यदि मैं आपको ध्यान करा सकता और आत्मा में लेके जा सकता तो समोसरण में भगवान सभी को ध्यान में लेके चले जाते कि चलो बैठ जाओ ध्यान में, मैं आपको ध्यान कराता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं दिव्य ध्वनि में ज्ञान तो देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। वो ज्ञान का जो उपयोग करता है वो ध्यान में चला जाता है, भगवान उसे नहीं ले जाते। और जो तीन लोग के नाम भगवान जो ध्यान में लेके नहीं जाते, ये दो चार शास्त्र पढ़ करके टीचर आ गया क्लासरूम में और वो सबको कहते हैं चलो मैं आपको ध्यान में लेके जाता हूं, ऐसा ध्यान आज तक हुआ नहीं और होगा नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होता सिवा के उस शिक्षक को जो थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाए, उतना लाभ होता है और कुछ लाभ नहीं होता। और वो भी क्या कहेगा कि चलो बैठो अब नाक के इधर ध्यान, एयर कंडीशन बिल्कुल फुल 16 पे रख दिया और पास में बैठी है पत्नी, पति पत्नी दोनों बाजू में बैठे, उसका ध्यान इधर जाता है ये वो क्या करती है, इसका ध्यान इधर जाता है वो क्या करती है। और फिर टीचर वो शिक्षक ये कहते हैं ऐसा करो ध्यान करो ओ, 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 ऐसा जो करते हैं वहां वो वाणी बुद्गल विषय बनती है कि चैतन्य विषय। इसलिए ये कहा कि जिस जीव को तत्व का विचार जब चलता है, तत्व विचार ऐसा चलता है कि वह विचार वह चिंतन ही सहज अनुभूति में परिणमित होता है, इसलिए निंद की विधि और ध्यान की विधि एक समान है। जैसे कि आपको कोई पूछे कि 50 साल के आप हुए, 60-70-80 साल के हुए, रोज रात को सोए, अब नींद कैसे आती है बताओ, जब सोते हैं तब क्या करते हैं, मुझे सोना है मुझे सोना है मुझे सोना है, तो नींद आ जाती, ऐसे नींद नहीं आती। वो ऐसा विकल्प करने पर तो आती है नींद, वो भी चली जाती, हम तो वहां ऐसे लेटे और कब सो गए पता ही नहीं चला। दूसरे दिन रोज रात को सोए और किसी में भी ताकत नहीं है बता दे कि नींद कैसे आ जाती है। बस ऐसा ही ध्यान का स्वरूप है कि जब बैठे और कब अंदर चला जाता है वो पता नहीं चलता। वो नींद की विधि और ध्यान की विधि एक समान है। और क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति नींद में सो रहा हो उसे पूछे कैसा मजा आ रहा है, वो कुछ नहीं, कैसा मजा आ रहा है कुछ नहीं बोलता। मगर जब वो उठता है तब कहता है हाय मेरी थकान दूर हो गई। ऐसे ही कोई जब ध्यान में लीन है, हम उन्हें पूछे ज्ञानी को कैसा आनंद आ रहा है, कुछ बोलेंगे नहीं। जब ध्यान में से बाहर आए तब शास्त्र लिखते हैं और लिखते हैं कि मेरे संसार सागर के भटकने की जो थकान थी वो दूर हो गई। वो तब लिखते हैं जब बाहर आते हैं, तब अंदर में नहीं। और नींद में जब नींद आती है तब हम बाहर के सभी विषयों को जैसे उस समय भूल चुके, ऐसे ही ध्यान की उस अवस्था में इतना भी विकल्प नहीं आता कि मैं ध्यान करता हूं, हमें यह भी विकल्प नहीं आता कि मैं सोता हूं। और इसमें बताया कि यदि बहुत दिन का थकान न हो तो वहां पर भी, बहुत दिन का थकान ना हो तो नींद नहीं आती, थकान चाहिए उसके लिए कि
मैं फुटपाथ पर सोता था, 18 दिन का थका था, तो नींद आती थी फुटपाथ पे। और जापान में 7-स्टार होटल में रोज का 2 लाख रुपए का किराया चुका करके एक शिष्य उन्होंने होटल रखी थी, 2 लाख का किराया रोज एक रात का, और नींद नहीं आती थी क्योंकि थकान नहीं थी। अच्छा, थकान हो तो नींद फुटपाथ पे रास्ते पे भी आ जाएगी, ऐसे ही थकान बहुत जरूरी है। और यहां जो बैठे हैं वो थके हुए नहीं है, थोड़ा बहुत संसार भी जो रुचिकर लगता है ना, ऐसा नहीं लगता। इसलिए एक ढाबे के कुत्ते की कहानी मैंने सुनी थी कि एक व्यक्ति ढाबे पर खाना खाने के लिए ठहरता है और वहां पर ढाबे में एक कुत्ता था। कुत्ता लकड़ी जैसा कुछ था, झाड़ का पेड़ का थड टूटा हुआ वो वहां पड़ा था और उसके ऊपर कुत्ता बैठता था और बैठ करके फिर नीचे गिर जाता था, नीचे उतर जाता था, क्योंकि उस पेड़ के जो थड़ पर ऐसी कील थी, वो कील उसे चुभती थी, तो चुभती थी तो नीचे उतर जाता था, फिर ऊपर जाके बैठता था, फिर नीचे उतरता था। तो किसी ने पूछा वहां पर कि ये कुत्ता ऊपर जाता है और फिर नीचे उतर जाता है, तो नीचे क्यों उतरता है? तो उसने सामने वाले ने ढाबे वाले ने कहा कि उस कुत्ते को कील चुभती है इसलिए वो नीचे उतर जाता है। बोले तो फिर वो ऊपर दोबारा क्यों जाता है? तो उसने कहा कि इतनी नहीं चुभती है ज्यादा कि दोबारा जाए ही नहीं, थोड़ी उगती है इसलिए दोबारा रहना ज्यादा। हमारी स्थिति ऐसी है कि संसार जो चुभता है ना वो थोड़ा चुभता है इसलिए इधर आ जाते हैं, और ज्यादा नहीं चुभा इसलिए फिर वहां पे आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे जीवों को अनुभव नहीं होता, जो पूरी तरह से थका हुआ हो उसे आत्मा का अनुभव होता है। इसलिए इस प्रकरण में बहुत से गहन बात पर कि अब थोड़ी गहराई से ये जो चर्चा करनी है, ध्यान का जो विषय है भगवान आत्मा, वहां ध्यान ध्येय और ध्याता का विकल्प टल जाता है, उसका मतलब थोड़ा समझो, रहस्य है ये सब। ये जो है ना ध्याता, ध्यान और ये ध्येय, इसमें द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, गुण क्या है, ये सब का स्वरूप अब थोड़ा समझो। ध्यान जो है वह ध्यान पर्याय है, ये ध्यान पर्याय, और ध्येय है वो ध्येय क्या है, वो ध्येय जो है वो पर्याय से न्यारा ऐसा जो द्रव्य है वो ध्येय है, जिसमें पर्याय नहीं है। ध्यान का जो ध्येय है उसमें पर्याय नहीं है, और जो ध्यान वो स्वयं पर्याय है। तो ये हो गई पर्याय ध्यान, और ये हो गया द्रव्य ध्येय। तो ध्याता क्या है? ध्यान की पर्याय और ध्यान का ध्येय, ये दोनों का एक था, उसका नाम है ध्याता। और जो ध्याता है वो प्रमाण का विषय है, और ध्यान का जो ध्येय है वो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, और वहां ऐसे तीनों भेद मिट जाते हैं, इसलिए कहा ध्याता ध्यान और ध्येय का भेद मिट जाता है। अब इसको समझो थोड़ा, भगवान आत्मा जब ध्यान की पर्याय में ध्यान में आता है, ध्यान का अर्थ सीधा सा इतना है, ज्ञान का अर्थ है जानना, और ध्यान का अर्थ है जानते ही रहना। जानने का नाम ज्ञान है और जानते ही रहने का नाम ध्यान है। जैसे अभी मैंने आपको जाना, आपको जाना, फिर मेरी नजर जान करके इधर इनको जाना,
फिर आपको जाना, फिर आपको जाना, फिर आपको जाना, ये हो गया ज्ञान। एक बार जाना, फिर दूसरे को जाना, फिर तीसरे को जाना, ये ज्ञान। और ये जो पहली बार आपको जाना, फिर दूसरी बार भी आपको, तीसरी बार भी आपको, चौथी बार भी आपको, एक ही वस्तु को बार बार जानना, उसका नाम है ध्यान। एक बार जानने का नाम ज्ञान है और बार बार जानने का नाम ध्यान है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान के रिपीटेशन का नाम ही ध्यान है, बार बार जानना। तो जब आत्मा की पर्याय, जिनको ध्यान में लीन होना है उनके लिए, अब ध्यान की व्याख्या क्या हुई कि जिन्हें बार बार जाने उसका नाम ध्यान। बार बार जानना भगवान आत्मा जो है, भगवान आत्मा का ध्यान मतलब क्या, भगवान आत्मा को बार बार जानना उसका नाम ध्यान। अब जिसे बार बार जानना हो उसे एक बार तो जानना पड़ेगा ना, और लोग एक बार भी आत्मा का कुछ पता नहीं और सीधा बार बार वो ध्यान करने बैठ जाते हैं। वो बार बार जानने का नाम ध्यान है और एक बार भी जाना नहीं तो वो बार बार जानेगा क्या। इसलिए प्रवचन सुनना जरूरी है कि आत्मा का स्वरूप क्या है ये जानो, क्योंकि जिसे बार बार जानना है उसे एक बार तो जानना ही होगा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका मतलब यह है कि ज्ञान की जो पर्याय है, जिस वस्तु में रुचि होती है उस वस्तु का ध्यान सहज होता है, इसलिए ध्यान का अभ्यास नहीं करना पड़ता। बैठ करके पैर पे पैर रखा, हाथ पर हाथ रखा, यदि ऐसा ही यदि ध्यान होता है तो शेर को ध्यान करना भारी पड़ जाता। जब सम्यक दर्शन हुआ तब कैसे पैर पर पैर रखेगा और हाथ पर हाथ रखेगा महावीर भगवान का जीव, और सम्यक दर्शन हुआ, निर्विकल्प अनुभूति ध्यान हुआ, उसका जो अर्थ है वो अर्थ हम नहीं समझते, सिर्फ हाथ पर हाथ रख देना उसका मतलब ध्यान हो गया। उसमें ध्यान नहीं होता, उससे सम्यक दर्शन नहीं होता, उससे मिथ्या प्रदर्शन होता है। और हमें सम्यक दर्शन पाना है, मिथ्या प्रदर्शन नहीं करना है। इसलिए जहां बैठे, इसके लिए वो प्रसिद्ध दृष्टांत देता हूं कि प्रेमी को प्रेमिका से प्रेम हो जाता है और पिताजी दोनों के, लड़की और लड़के दोनों के माता पिता को पता चला कि दोनों हमारे बेटे बेटी प्रेम करते हैं, ठीक है उनकी शादी करा देंगे, उनका भी संसार अच्छा चले, मगर दोनों को कह दिया कि 2 महीने के बाद परीक्षा है तुम्हारी, तो एक शर्त है कि जब तक परीक्षा खत्म नहीं होगी तुम दोनों एक दूसरों से मिलोगे नहीं। तो दोनों ने सोचा मिला मिल लो, बात कर लो, यदि मंजूर है तो शादी करा देंगे, यदि मिले तो फिर आपकी शादी नहीं होगी। तो दोनों को फिर दोनों मिले और दोनों ने कहा क्या करना है, तो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा ठीक है अभी 2 महीने का तो समय है, शादी हो जाएगी, चलो ठीक है नहीं मिलेंगे, कह दिया। उसके बाद में पिताजी, चारों लोग माता पिता दोनों के बैठे थे चारों, उन्होंने कहा कि 2 महीने तक एक दूसरे को मिलना नहीं है, इतना नहीं 2 महीने तक एक दूसरे को खत भी नहीं लिखोगे, फोन भी नहीं करोगे, ये तो और कठिन मामला हो गया। तो फिर दोनों प्रेमी प्रेमिका ने सोचा क्या करेंगे, फोन नहीं करना, चिट्ठी नहीं लिखना, ये चल जाए। फिर ये कहा कि इतना नहीं सुनो कि 2 महीने तक तुम दोनों एक दूसरे को याद भी नहीं करोगे। बोले कि ये हमसे नहीं होगा, तुम्हें शादी करा दे तो कराओ नहीं तो हम भाग जाएंगे, मगर ये हमसे नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो से हम प्रेम करते हैं वो हमारे विचार में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ध्यान में नहीं आएगा ऐसे कैसे हो सकता है, ध्यान में तो आएगा ही आएगा। तो उन्होंने प्रेमी प्रेमिका ने कोई कोर्स नहीं किया था ध्यान का,
सीधा कि दोनों को एक दूसरों के प्रति इतनी रुचि थी कि दोनों एक दूसरों का ध्यान करते थे। तो ऐसा ही आत्मा का ध्यान है कि ध्यान सीखना नहीं पड़ता, आत्मा की रुचि जब जगी कि ऐसा है भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति, ऑटोमेटिक ध्यान हो जाता है आत्मा का, तो सीखना थोड़ी जाना पड़ता है। इसलिए ज्ञानियों का चलना भी आत्मा के ध्यान में है और ज्ञानियों का बोलना वो भी आत्मा के ध्यानमय है और ज्ञानियों का खाना पीना सब ध्यानमय ही होता है, क्योंकि अंदर में वो रुचि जगी है। वो प्रेमी खाता है तो भी प्रेमी का को याद करता है, चलता है तो भी प्रेमी का याद आती है, वो बार बार कहीं भी ऐसा। और खास बात तो ये है कि आत्मा तो यहां है साक्षात प्रत्यक्ष और हम उसे खोजते हैं शास्त्रों में, इसीलिए भी आत्मा मिलता अटक गया। इसलिए एक स्थिति ऐसी आती है कि ये किताब भी फिर बंद हो जाती है और वो अंतर में जाता है, यहां आत्मा को फिर नहीं खोजने जाता। एक व्यक्ति ने उसके घर पर कोई मेहमान आए, मेहमान ने आकर इस व्यक्ति को कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग लगी है, ऐसा कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग लगी है, मेहमान ने आके कहा। तो इस व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने अखबार में पढ़ा नहीं है, कहीं अखबार में पढ़ने में नहीं आया कि पड़ोसी के घर में आग लगी। अब पड़ोसी के घर में आग लगी वो जानने के लिए अखबार में पढ़ना जरूरी है, वो तो सामने दिखता है। मगर उस व्यक्ति पर हम हंसते हैं कि देखो कैसी बात करता है, मैंने अखबार में नहीं पढ़ा पड़ोसी के घर में आग लगी। मगर हमारी स्थिति उसके जैसी ही है कि मैं कौन हूं, आत्मा, यहां क्या है ज्ञान, यहां क्या है दर्शन, पता है आपको, या पता है कैसे पता कि इसमें पढ़ा तब पता चला, यहां तो पता ही नहीं था। तो अखबार में पढ़ने से पड़ोसी के घर का पता जैसे चलता है ना, ऐसे ही शास्त्र पढ़ते के पता चला कि ये आत्मा है, यहां ये है ये है। इसलिए कहा साक्षात वस्तु को, मैंने एक कहानी और सुनी थी और जो इसके संबंध में समझने जैसी है कि एक बार प्रेमी और प्रेमिका मिले और दोनों ने नक्की किया कि अपन 2 महीने के बाद में मिलेंगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रेमी ने कहा ठीक है। 2 महीने के 3 महीने हो गए, फिर प्रेमी से रहा नहीं गया कि अब तो ये आती नहीं है, मिलती नहीं है, एक काम करता हूं, बाजार में गया और 4 फुल स्केप पेपर, फुल स्केप कोर्ट में केस करने के लिए 4 को ऐसे ज्यादा समझ में आएगा, वो 4 पन्ने अर्जी करवाना, वो 4 पन्ने लेके आ गया और उसने सोचा कि मैं प्रेमिका को खत लिखता हूं और 4 पन्ने पूरे भर दूंगा और भरना ही भरना है। तो पहला पन्ना पूरा किया, दूसरा पन्ना और तीसरा भी पूरा भर दिया, चौथा पन्ना लिख रहा था, अभी शुरुआत हुई थी चौथे पन्ने की, तभी प्रेमिका आ गई दरवाजे पर, सामने ही खड़ी है। तो उस प्रेमी ने प्रेमिका को क्या कहा, रुक थोड़ी देर, 1 पन्ना बाकी है पूरा कर लेता हूं। वो कैसा मूर्ख है कि सामने जो खड़ी है फिर भी वो पन्ना पूरा करने के चक्कर में लगा, ऐसा कि 1 पन्ना पूरा कर लेता हूं। और हमारा भी ये है कि आत्मा यहां खड़ा है साक्षात, मैं 1 पन्ना पूरा कर लेता हूं, बस ये पढ़ लेता हूं। ये जो साक्षात वस्तु है उसको छोड़कर इसके अंदर जो आत्मा को खोजता है उसे भी आत्मा नहीं मिलता है। इसलिए कहा कि ये पढ़ने के लिए ठीक है, कब तक, जब तक ये अनुभव में नहीं आता तब तक, जब आए तब इसको भी वहां एक और रहने देना, फिर वो आग्रह मत रखना कि मंगलसूत्र तो पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया,
कि कोई बात नहीं, आपको अंदर में वो अनुभव हुआ, इतना छोड़ करके भी जा रहे हैं तो भी काम आपका हो गया। एक बार अंदर में वो रस यदि चखा तो वो काम हो गया, ऐसा स्वरूप है ये। इसलिए ये जो ध्यान का प्रकरण है इसके संबंध में तो जितना विवेचन करे उतना कम है ध्यान के संबंध में। इसलिए ध्यान की तो मुंबई में शिविर हुई है, 16 घंटे के प्रवचन हुए ध्यान के संबंध में। उसमें 16 प्रकार के ध्यान पर चर्चा हुई है। एक एक शब्द को आप यहां पढ़ोगे तो इसका रहस्य पता चलेगा। अब देखो पेज नंबर 52 पर उसमें जो घाटे अक्षर में लिखा है पहले, आत्मा की पर्याय आत्मद्रव्य में एकत्व पूर्वक स्थिर होती है, तभी ध्याता ध्यान और ध्येय के विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है ये दृष्टि और ज्ञान का भेद समझने जैसा है। ये है द्रव्य और ये है पर्याय, और ये है द्रव्य पर्याय का समुदाय। तो जिस पर्याय में ये जो पर्याय है वो पर्याय का ध्यान का जो विषय है, वो ध्यान का विषय तो ये है, ध्यान का विषय जो बना है वो ध्यान का जो ध्येय है वो ये है। मगर ध्यान की पर्याय और ध्यान का विषय ऐसा जो द्रव्य, वो जो प्रमाण का विषय, वो द्रव्य ज्ञान की पर्याय में जानने में आया है। भले वो ध्यान का ध्येय नहीं बना परंतु ज्ञान का ध्येय जो बना है वो ये बना। समझ में आया? ज्ञान का ज्ञेय जो बना है वो ये बना। इसलिए आत्मा की अनुभूति जब होती है तब अनुभूति के काल में पर्याय में जो आनंद प्रकट होता है, पर्याय में जो आनंद प्रकट होता है वो प्रकट होने वाला आनंद ज्ञान का विषय बनता है, परंतु ध्यान का विषय वो नहीं है। वो ध्यान का ध्येय तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। जैसे रास्ते पर सोने की बंगड़ी मिली है तो बंगड़ी जो मिली वो ध्यान का विषय नहीं बनी, वो ज्ञान का विषय बनी है, जानने में आया कि ये बंगड़ी है। मगर हमारी जो रुचि है वो रुचि बंगड़ी में नहीं है, रुचि सोने में है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में पूरा द्रव्य गुण पर्याय सही जो पूरा द्रव्य है वो ज्ञान में जानने में तो आता है, परंतु ध्यान का जो ध्येय बनता है कि यही भगवान आत्मा में, वह तो त्रिकाली ध्रुव में ही अपनापन होता है, पर्याय में अपनापन नहीं होता। इसलिए दोनों के भेद का मिट जाना, ये जो आत्मा है ये द्रव्य है, और आत्मा की जो पर्याय है ये पर्याय आत्मा में से उत्पन्न हुई। ये ज्ञान की पर्याय, ये जो ध्यान की पर्याय, ये जो आत्मा की पर्याय, ये ऐसे निकली। अभी क्या हुआ, इस ज्ञान आत्मा में से उत्पन्न होने वाली पर्याय ये इनको जानने गई, आत्मा में से उत्पन्न होने वाली पर्याय इनको जानने गई। ऐसा तो ये जो स्थिति है ना उसका नाम है भेद, ये भेद है। और आत्मा में से जो निकलने वाली पर्याय इन्हें जानने नहीं गई, आत्मा में से निकलने वाली पर्याय आत्मा को ही जब अभेद रूप से जानती है तब ये जो दो थे वो भेद मिट गया, अभेद हुआ। उसका मतलब है आत्मा की अनुभूति में भेद टल जाता है। ये भेद ऐसा था, वो पर्याय का जो विषय था वो विषय समझ में जैसा। अब वो रहस्य थोड़ा समझो,
ज्ञान की इस समय की पर्याय में, इस समय की ज्ञान की जो पर्याय है, ज्ञान की इस समय की पर्याय में यहां पर एक जो व्यक्ति है वो जानने में आता है। अब चार व्यक्ति यहां खड़े हैं, तो पहले समय की जो पर्याय है उसमें ये राम जानने में आया। तो हमारे ज्ञान में अभी क्या होता है कि अभी ये राम को जानने वाला आत्मा की ये जो ज्ञान की पर्याय, दूसरे समय क्या हुआ कि राम आगे चला गया तो लक्ष्मण आया, तो दूसरे समय की पर्याय में वो लक्ष्मण जानने में आया। तो ये पहले समय की पर्याय जिसमें राम जानने में आया, दूसरे समय की पर्याय जिसमें लक्ष्मण जानने में आया, ऐसे ही फिर भरत जानने में आया, ऐसे ही शत्रुघ्न जानने में आया। ये एक चार पर्याय है, वो चार दर्पण है। ये दर्पण की जो पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, अब उसमें समझो कि पहले दर्पण की अवस्था में जब राम प्रतिबिंबित हुआ था तब राम दर्पण में मिला था नहीं मिला, वो बाहर ही था। दूसरे समय में जब लक्ष्मण प्रतिबिंबित हुआ तो लक्ष्मण वहां दर्पण में मिला नहीं मिला, फिर वो भरत उसमें नहीं मिला, शत्रुघ्न उसमें नहीं मिला। उस प्रकार से एक दो तीन चार उसमें जो प्रतिबिंबित होने वाले हैं वो उनमें नहीं मिले। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में जगत के जो पदार्थ जानने में आए चार, वो जानने में मिलते नहीं है, ज्ञान में मिल नहीं जाते। अब क्या हुआ कि इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है, दर्पण कैसा है, निर्मल ऐसा। तो ये जो ज्ञान की जो पर्याय है वो इतनी निर्मल है कि कोई भी वस्तु आत्मा के ज्ञान में जानने में आती थी वो उसमें मिल नहीं जाती। ऐसी जो ज्ञान की निर्मलता है, फिर पांचवें समय में क्या हुआ कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानने में नहीं आए, ये जो ज्ञान की निर्मलता थी ऐसा निर्मल ज्ञान वही जानने में आया, वो चार नहीं आए, ये निर्मलता ही ज्ञान में जानने में आई। और तब एकत्व रूप की यही मैं हूं ऐसा ज्ञान का त्रिकाली ध्रुव में अपनापन होना, उसका नाम आत्मानुभव है, उसका नाम अनुभव है। वो पर्याय का द्रव्य के साथ अभेद होना इसका नाम है। जानने वाला ही जानने में आ गया ऐसा, और ये सहज, ऐसी सहज दशा है कि अनादि अनंत। और उस समय तो ऐसा, ये चार तो आपको दृष्टांत देके बताया कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये दृष्टांत देकर बताया। ऐसे ही ज्ञान के अंदर भूतकाल में कितने ज्ञेय जानने में आए, अनंत। तो अनंत ज्ञेय जानने में आए ज्ञान में, फिर भी ज्ञान ऐसा आत्मा का निर्मल 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 और दो नहीं हो गया, वो एक ही रहा, वो दो नहीं हो गया। उसका स्वरूप जो है, जैसे दर्पण अभी ऐसा है, अब उसमें आप प्रतिबिंबित हुए, फिर ऐसा घुमाया तो आप प्रतिबिंबित हुए, ऐसा घुमाया आप प्रतिबिंबित हुए, ऐसा घुमाया आप प्रतिबिंबित हुए। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान में अनादि काल से जगत के सब पदार्थ जानने में आए, और दर्पण ऐसा 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 कहीं पर भी घूमे, क्योंकि दर्पण तो एक ही रहेगा, वो दो थोड़ी हो जाएगा। भले न हजारों लाखों करोड़ों वस्तुओं की और दर्पण घूमे ऊपर नीचे, वो दर्पण एक है। ऐसे ही ज्ञान में अनंत काल से अनंत पदार्थ जानने में आए, और वो जो एक है, वो एक ही जब जानने में आया, उसका नाम आत्मा की पर्याय में आत्मा जानने में आया। और ऐसा एक समय भी जब जानने में आता है, उस जीव का अनंत काल के लिए जन्म मरण मिट गया, एक समय के लिए, एक समय। इतनी दृढ़ता रहती है, ऐसी दृढ़ता रहे आपको भी भगवान, वो दृढ़ता रह सकती है। भी प्रयोग करेंगे तो आपको भी रह सकती है।
कि पहले जो भी ज्ञेय जानने में आए थे ये सुनते सुनते ही अंतर्मुख हो जाना, उसका भाव यह है कि ये जो वाणी आपको अभी जानने में आ रही है, वो जो वाणी जानने में आ रही है उस वाणी का ज्ञान में मिलना हुआ नहीं, वो नहीं मिली। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण समझने जैसा। ये जो पिक्चर के पर्दे पर, फिल्म के पर्दे पर अभी ये पर्दा है, सफेद रंग का है ऐसा, अब उसमें लाल रंग प्रतिबिंबित हुआ, फिर काला रंग प्रतिबिंबित हुआ, तो काले रंग का दृश्य इसके ऊपर प्रतिबिंबित हुआ, तो काले रंग के कारण पर्दा काला हो जाता, तो उसके बाद हरे रंग का दृश्य आता वो दिखता ही नहीं, क्योंकि वो हरे रंग का दृश्य तो सफेद है इसलिए दिखता है, तो उससे जो हरे रंग का दृश्य पर्दे पर दिखाई देता है वो ये सिद्ध करता है कि काले रंग के पर्दे ने पर्दे को काला नहीं कर दिया था, इसलिए तो वो सब हरा हरा दिखता है, लाल लाल दिखता है, पीला पीला दिखता है। ऐसे ही आत्मा के ज्ञान में क्रोध का भाव आया था पहले जानने में, मगर उसके कारण ज्ञान क्रोधी नहीं हो गया था, नहीं तो ये दूसरे जितने भाव आते वो जानने में ही नहीं आते। वो ज्ञान तो इतना निर्मल है, अभी भी मैं आपको जान रहा हूं, उसका मतलब ये कि अनादि से जितने मलिन भाव आए ज्ञान को मलिन नहीं कर सके, इसलिए तो अभी आप जानने में आ रहे हैं। ऐसा ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव का नाम ही है चैतन्य स्वभाव, उसी का नाम है मंगल सूत्र। ये मंगल सूत्र का अर्थ यह है। ये भाव नहीं समझ में आए तो गड़बड़ हो जाए। मुंबई में कभी हुई थी ना पिछले हफ्ते, लोगों में चर्चा चली, बोले कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने पूछा अभी तो मंगल सूत्र की तैयारी चल रही है। मंगल सूत्र अभी आप तो शादी नहीं करने वाले, क्या हो गया अचानक, क्या हो गया, मंगल सूत्र की तैयारी चल रही है, मंगल सूत्र की तैयारी, इसलिए नीचे लिखना पड़ा चैतन्य स्वभाव, उसका दूसरा अर्थ निकालो मंगल सूत्र चैतन्य स्वभाव, ये लिखने का प्रयोजन होता है उसके ऊपर ये, और उसके ऊपर जो दिख रहा है ना मंगल के ऊपर, ये मंगल सूत्र ही है, ये नीचे देखो आप, ये एक धागा है ये ऊपर, और ये उसकी डिजाइन है, और ये वाला जो मंगल सूत्र है ना वो उल्टा मंगल सूत्र है, और ये सीधा मंगल सूत्र है ऐसा, ये जो दिख रहा है ना चैतन्य स्वभाव वाला मंगल सूत्र वो सीधा मंगल सूत्र है, और ये मंगल सूत्र उल्टा है उसको ऊपर, मतलब उस मंगल सूत्र में से तो बाहर निकलना है, और इस सिद्ध मंगल सूत्र में हमें स्थिर होना है, इसलिए दोनों ऊपर नीचे रखे। ज्ञान की पर्याय में, आत्मा की पर्याय में आत्मा द्रव्य का एकत्व पूर्वक स्थिर होना, उसका नाम है ध्यान, ध्येय और ध्याता के विकल्प का छुप जाना। एक बात और इसमें जो है, आत्मा की पर्याय भी आत्मद्रव्य में ऐसे स्थिर होती है कि पर्याय एवं द्रव्य के भेद विकल्प रूप भेद ही समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, जैसे जीभ है तो जीभ पर रसगुल्ला रखा तो रसगुल्ला जो अनुभव में आने वाला और जीभ जो अनुभव करने वाली, तो वहां में से दो विचार आते रसगुल्ला खाते तब, ये जीभ अनुभव करने वाली, ये रसगुल्ला अनुभव में आने वाला, ऐसे दो विचार नहीं आते। रसगुल्ला मीठा है बस, जीभ का तो विकल्प ही नहीं आता, वहां जो अनुभव करती है अनुभव में आता है वही नजर में है। ऐसे ही पर्याय जो जीव जिसमें अनुभव में आया त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तब अनुभव करने वाली जो पर्याय उस पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता कि जो अनुभव करती, वहां तो सिर्फ अनुभव में आने वाला जो ध्रुव तत्व है वही उसका विषय बनता है।
इसलिए कहा कि पर्याय और द्रव्य ऐसे दोनों भेद वहां छूट जाते हैं। और आगे थका व्यक्ति 53 के पेज पर, वहां पर थका व्यक्ति कहीं भी सो जाता है, ऐसे ही संसार परिभ्रमण से थका व्यक्ति ही निर्विकल्प आत्मानुभूति को उपलब्ध होता है। और उसके नीचे ये बात कही कि अब इस ध्यान के लिए क्या करें, तो जो लोग कब ध्यान करे, कब ध्यान हो, कब निर्विकल्प दशा हो, कब सम्यक दर्शन हो, ऐसा उसमें द्रव्य का जोर हो और सहजता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर निश्चय आभास है। इसका रहस्य समझो, महावीर भगवान जो थे वो वीर नहीं थे, वो वीर नहीं थे। मैं अपनी दृष्टि से महावीर भगवान को देखता हूं तो वे वीर नहीं थे, वे धीर थे। पर वीर और धीर का मतलब पता है, दोनों में अंतर है। वीर का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति ऐसा ताकत वाला जो 10 लोग खड़े हो और 10 लोगों को मारे, इतना मारे, इतना मारे कि 10 लोग मर गए और वो जीत गया कि देखो उसका नाम है वीर, कि 10 को मारा और वो जीत गया वो है वीर। और धीर का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति यहां बैठा है और 10 लोग उसे मारने को आए और 10 लोग मार मार करके ही 10 लोग मर गए और इसे कुछ नहीं हुआ और ये बैठा रहा, उसका नाम है धीर। वो जीतना उसका नाम है धीर, कि वो मारने नहीं गया, 10 मार मार के ही मर गए और इसे कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा उसका नाम है धीर। ये कुछ होता ही नहीं, कितना भी उसे कुछ होता नहीं, उसका नाम है धीर। आज के जमाने में ऐसे धीर मिलते हैं, अरे ये सब आप धीर ही तो हो कि इतना प्रवचन सुनाता हूं कुछ होता ही नहीं है, बैठे हैं शाम से बोलते जाओ हम सुनते हैं, तो इतने धीर तो बैठे हैं। सिर्फ उल्टी जगह ये हो गया महावीर भगवान के जैसा। इसका मतलब ये कि पुरुषार्थ करना चाहे तो आप कर सकते हैं ऐसा। तो उस दृष्टि से मैं देखो तो महावीर भगवान धीर थे, और उसका मतलब यहां पर ये है कि ऐसा मान करके, क्योंकि ये मार्ग तो धैर्य का मार्ग है। ये धैर्य का काम है उसका। कोरिया की जो कहानी बताई थी कि कोरिया में वो नाव पहुंची और किताब का बोझ लेकर के वो जो सन्यासी थे, रात को ऐसे ही नाव नदी के किनारे पर पहुंच गई थी, तो जो नाव वाला था नाविक, तो इन सन्यासियों ने पूछा कि गांव का दरवाजा था वो शाम को बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उन्होंने उसको पूछा कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो नाव चलाने वाले ने कहा आप धीरे धीरे जाओगे तो दरवाजा बंद होने से पहले ही पहुंच जाओगे, और जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंचोगे, ऐसा कहा। तो उन लोगों को मजा लग रही, मजाक कर रही है, जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंचोगे, धीरे धीरे पहुंच जाओगे। वो लोग जल्दी गए तो वहां पर वो कीचड़ था, ऐसे ही पैर फिसल गया कि नीचे गिर गए। थोड़ी देर में ये नाव वाला नाव बांध करके फिर निकला, तो देखा कि वो लोग तो गिर गए, तो उनको कहा कि मैंने आपको कहा था, आपने मेरी एक न मानी, आप हंसते रहे, मैंने कहा था धीरे धीरे चलो पहुंच जाओगे, जल्दी जाओगे तो नहीं पहुंचोगे, और देखा नहीं परिणाम, अब पड़े रहो, मैं धीरे धीरे जाता हूं अभी भी पहुंच जाऊंगा। धैर्य का जो मार्ग है
धैर्य का मार्ग होती है, मार्ग धैर्य का है। कब मैं आत्मा को पालू, कब मैं आत्मा को पालू, कब मैं आत्मा को पालू, ऐसे लोगों का काम नहीं है। ये इतना ही उसे जागृति कि मैं चैतन्य तत्व परिपूर्ण परमात्मा हूं, बस उस पर इतना जोर कि अब सम्य दर्शन जब होना हो सबको। पर्याय की ओर जोर नहीं है, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं उस पर उसका जोर है। उसका नाम है द्रव्य दृष्टि, उसका नाम है दृष्टि का जोर द्रव्य पर है। इसलिए यहां पर यह बात कही। और विकल्प से जैसे कार्य नहीं होता है, भौतिक कार्य भी विकल्प से नहीं होता, बाह्य कार्य भी विकल्प से नहीं होता, ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति भी विकल्प से नहीं होती। फिर भी दो प्रकार के विकल्प के भेद करके समझाया कि एक है पाप के भाव और एक है पुण्य के भाव, और दो में से दोनों ही भाव संसार है। एक लगा है काटा पहले से ही पैर में, तो कांटे को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा हम डालते हैं। कांटा तो एक लगा था और कोई व्यक्ति बोलता है मैं निकाल देता हूं, तो दूसरा कांटा डालता है। बोले एक तो डला है अंदर, अभी दूसरा क्यों डालते हो? कि भाई वो इसलिए कि पहला भी निकल जाए। ऐसे ही पाप भी एक विकल्प है और पुण्य भी विकल्प है। वो पुण्य का कांटा जो डालते हैं हम यहां बैठे ने पुण्य, वो इसलिए कि पाप का कांटा निकले। मगर कोई व्यक्ति अंदर पहले लगा हुआ वो पाप का कांटा है, पहले कांटा लगा था उसे तो निकाल दिया, और जिस कांटे ने उस पहले कांटे को निकाला वो बड़ा कांटा अंदर रहने दे, तो कितनी और बड़ी परेशानी हो गई कि वो निकालने वाला कांटा और बड़ा होता है जो पहले लगा था उससे। तो पुण्य का कांटा यदि चुप गया हुआ रह गया और पाप का निकल गया तो और खतरनाक है। इसलिए पाप का भी निकले और पुण्य का भी निकले। और खास बात यह है, दूसरा कांटा कौन डालता है? जिसे पहला कांटा चुभता हो वही दूसरा कांटा डालता है। ऐसे ही स्वाध्याय का ये जो कांटा है, स्वाध्याय करने का कार्य है, ये वे ही करते हैं जिन्हें संसार के पाप के कांटे चुभते हैं। ऐसा लगता है कि अब उनमें से बाहर निकलना है, और एक स्थिति ऐसी सहज आती है कि सारे लोक की जनसंख्या कोई पूछे, वस्ती आखिर दुनिया में कितना जना रहे छे, एम जो कोई पूछे तो एनो अंदर थी जवाब हो एक, आ चैतन्य परमात्मा सिवाय अमने कोई नहीं खबर नथी। ऐसी जो अनुभूति, उस अनुभूति का नाम आत्मानुभूति है। इसके संबंध में चर्चा हुई, आप समस्त परमात्माओं ने विनयवान होकर के ये बात सुनी। आप परमात्माओं की भावना का आदर करते हुए प्रणाम।